हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का पराठों की सीरीज के छठे पार्ट में, जिसमें है मेथी के पराठे। तो चलिए सबसे पहले इस पराठे की रेसिपी को देख लीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने मेथी के पत्तों को तोड़ लिया है और उसे अच्छे से धो करके सूखे कपड़े पे फैलाकर पंखे के नीचे सुखा लिया है। इससे मेथी के पराठे जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो चलिए इसे अब हम बारीक काट लेते हैं। तो देखिए, मैंने पत्तों को एकदम बारीक बारीक काट लिया है। अब हम पैन में तेल गरम करेंगे। 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। तेल जब गरम हो जाए उसमें हम डाल देंगे जीरा, और साथ ही में हम डाल देंगे मेथी के पत्तों को। ऊपर से हम डालेंगे नमक, तो नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और इसको हम भूनेंगे। तो इसमें हम ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ऐसे ही खुला ही हम इसे भूनेंगे। बहुत जल्दी मेथी जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। तो मेथी के पत्तों को जब हम भून करके इस तरह बनाते हैं तो पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हम आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से पराठे जो हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत खस्ता भी बनते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, अदरक और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट 1 चम्मच डाला है मैंने, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है जीरा पाउडर, 1 चम्मच मैं ऑयल यहाँ पे भी डाल रही हूँ। अब हम डाल देंगे मेथी के पत्तों को, जिसे हमने भून करके रखा था। सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डाल के इसका आटा लगाएंगे। तो आटे को हमें सख्त लगाना है, क्योंकि हम कोई स्टफिंग वाले पराठे नहीं बना रहे हैं, हमें कुछ फील नहीं करना है, तो इसीलिए हम आटा को थोड़ा सा सख्त लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है। चलिए अब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो मैं इसकी लोइयां तोड़ लेती हूँ। तो देखिए टोटल 4 लोइयां तोड़ रही हूँ मैं। अब एक लोई को लेंगे और चकले पे इस तरह से रोल कर लेंगे, और फिर इसे हम बेलेंगे। तो बेलते वक्त सूखे आटे का इस्तेमाल हम बहुत कम करेंगे, पहले हम ऐसे ही बेलेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी चिपकी तो हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। तो देखिए मैंने हल्का सा सूखा आटा नीचे लगाया है, और इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो पराठे को हम बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने पराठे को बेल लिया है, ना ही ये बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही एकदम पतली है। तो चलिए अब इसे सेक लेते हैं। तो मीडियम गरम तवे पे हम पराठे को डाल देंगे, और जब एक साइड सिक जाए तो इसे हम पलट लेंगे, और फिर इस पे हम ऑयल लगा देंगे, और फिर इसे पलट करके दूसरी तरफ भी अच्छे से सेक लेंगे। दूसरी तरफ हम फिर से ऑयल लगाएंगे और इसको अलट पलट के अच्छे से पराठे को सेक लेंगे। इस तरह से मेथी के पराठे बनाने पे पराठे जो हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं लगते, क्योंकि हमने पत्तों को ना पहले धो कर के सुखा दिया था। पानी के साथ अगर हम पत्तों को पकाते हैं ना, तो पत्ते जो हैं वो थोड़े से कड़वे हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी पराठे बनाएं तो पत्तों को पहले पंखे के हवा में धोने के बाद सुखा लें। तो देखिए पराठा तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनता है। तो देखिए मैंने दूसरे पराठे को भी सेकने के लिए रख दिया है, और ये जो हमारे पराठे हैं ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए कितने खस्ता हैं, मैंने इसे फोल्ड किया था तो ये अपने आप टूट गई है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो मेथी के पराठे तो आपने देख लिए, और सीरीज़ की दूसरे पराठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सीरीज़ की सारी पराठों की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।